अच्छी तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ड्यूरा मैटर है उसकी दो लेयर्स थी, इंडस्ट्रियल लेयर और मेनेंजियल लेयर। जो इंडस्ट्रियल लेयर थी वो स्कल के पास ही, और जो मेनेंजियल लेयर थी वो हमारे पास कंटिन्यू हो रही थी इसके पैनल कॉर्ड के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास तीन चार लेयर्स और आई, फॉक्स सेरेब्लाय, टेंटोरियम सेरेब्लाय और डायफ्राम सेरेब्लाय। फॉक्स सेरेब्लाय और फॉक्स सेरेब्लाय दोनों हमारे पास दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान होती हैं। टेंटोरियम सेरेब्लाय हमारे पास होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेबेलम के दरमियान। देखो यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये नीचे से सेरिबेलम, इन दोनों के दरमियान में जो आ रही है ये आ रही है टेंटोरियम सेरेब्लाय। और जो डायफ्राम सेरेब्लाय होती है वो यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये है सेला टर्शिका के अंदर। अब अगर आप पूछें कि भाई सेला टर्शिका क्या होता है, तो सेला टर्शिका एक डिप्रेशन होती है स्कल के अंदर, उसको हम कहते हैं सेला टर्शिका। सही है। तो हमारे पास जो डायफ्राम सेरेब्लाय होती है वो वहाँ पर होती है। फिर एक चीज़ हमने देखी कि हमारे पास जो टेंटोरियम सेरेब्लाय है ना, इसकी मेन थिंग जो आपने याद रखने की, वो याद रखने की है कि इसमें ट्राइजेमिनल नर्व होती है। सही है। तो आपसे ये एक्सटर्नल पूछे अगर के वेयर इज ट्राइजेमिनल नर्व लोकेटेड इन ब्रेन, तो ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया बोथ आर प्रेजेंट इन टेंटोरियम सेरेब्लाय। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल गैंग्लिया बोथ आर प्रेजेंट इन टेंटोरियम सेरेब्लाय। इसके अगर हम इसकी बात करें आप नर्व सप्लाई की, तो आप नर्व सप्लाई देख सकते हैं, नर्व सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर। सही है, नर्व सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर। तो देखिए नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास पहले है ट्राइजेमिनल और वेगस, ये दो नर्व्स हैं जो कि हमारे पास ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती है, और प्लस फर्स्ट थ्री स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो हैं हमारे पास शुरू की तीन वो। अब ये जो हमारे पास ट्राइजेमिनल और जो वेगस नर्व होती है ना, ये हमारे पास क्या काम कर रही होती है, ये हमें प्रोवाइड कर रही होती है हेडेक सेंसेशन। जैसे हम बोलते हैं भाई सिर में दर्द हो रहा है, तो वो किस वजह से होता है, ये होता है हमारे पास मतलब जो इसके सेंसेस आ रहे होते हैं, ये आ रहे होते हैं ट्राइजेमिनल और वेगस नर्व के। अगर आप यहाँ पर देखें, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे देखें, अगर हमारे पास अबव द टेंटोरियम सेरेब्लाय, जैसे ये फर्स्ट करें यहाँ पर टेंटोरियम सेरेब्लाय है, इसके अगर अबव पार्ट पर हो रही होगी तो हमारे पास क्या कर रही होगी, वो ट्राइजेमिनल नर्व कर रही होगी, और बिलो द टेंटोरियम सेरेब्राय हमारे पास कर रही होती है वेगस नर्व। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अबव द टेंटोरियम सेरेब्राय कर रही होती है ट्राइजेमिनल नर्व, और बिलो द टेंटोरियम सेरेब्राय कर रही होती है वेगस नर्व। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि हेडेक पेनफुल, हेडेक जो होगा वो हमारे पास पेनफुल हो जाएगा, मतलब सॉरी हेडेक का जो पेन है वो आपको फील होगा एट स्किन ऑफ हेड सेम साइड, मतलब सेम साइड पर। और जबकि जो वेगस होती है ना, वो वेगस हमारे पास उसका फील होता है बैक ऑफ नेक एंड स्कैल्प। सही है, बैक ऑफ नेक एंड स्कैल्प मीन्स कि जो ट्राइजेमिनल नर्व से हमारे पास हेडेक की सेंसेशन आ रही होती है, वो आ रही होती है मतलब सर पर आपके सेम साइड पर स्कल के, जबकि जो वेगस की होती है वो आपके पास बैक ऑफ नेक और स्कैल्प पर आ रही होगी। बात करें इसकी आर्टेरियल सप्लाई की, सी आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर, तो आर्टेरियल सप्लाई हमारे पास दो भरी होती है, मिडिल मेनेंजियल आर्टरी और ICA एंड ECA, वर्टिब्रल आर्टरी। ये चार हैं जो कि हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई दे रही होती है ड्यूरा मैटर को, मिडिल मेनेंजियल आर्टरी, ICA मींस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। सही है, ECA में भी कौन से दो ब्रांचेस, ECA की ब्रांचेस आपने हेड एंड नेक के अंदर अच्छे से पढ़ी होंगी, ECA की ब्रांचेस मैक्सिलरी और असेंडिंग फेरेंजियल, मेनली ये दो ब्रांचेज हैं जो कि हमारे पास ड्यूरा मैटर को आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है। नर्व सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ड्यूरा मैटर की, क्योंकि बाकी अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर इन सब के नहीं बताए, भी आपको ड्यूरा मैटर की आनी चाहिए। फिर आगे आ जाता है हमारे पास कि जो मिडिल मेनेंजियल आर्टरी है, आपने हेड एंड नेक के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है, सही है, जब भी रोड साइड एक्सीडेंट होगा तो हमारे पास कौन सा हेमरेज होता है, वो होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज।
टाइप्स ऑफ हेमरेजेस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के अंदर जो हमारे पास आर्टरी सप्रेस्ड होती है वो होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. तो इससे आपको पता चला कि एक्स्ट्रा ड्यूरल है, इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ड्यूरा मैटर है उसकी आर्टरल सप्लाई होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. तो ड्यूरा मैटर के ऊपर हमारे पास जो है ना सारा वो हेमरेज होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज. और ये हमारे पास कब होता है, रोड साइड एक्सीडेंट के अंदर. और इसके अंदर आर्टरी हमारे पास जो सप्रेस्ड होती है वो होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. आगे देखते हैं हम. अच्छा यहाँ पे तो इसको कवर कर लिया, आर्टरियल सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर. इसको दोबारा से अगर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, कौन कौन सी थी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ICA, ECA एंड वर्टिब्रल आर्टरी. दीज फोर आर द आर्टरियल सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर. फिर आ जाता है हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर, सही है. अब ये एरेक्नॉइड मैटर क्या है, तो आपको नज़र आ रहा होगा एरेक्नॉइड विलाए हैं यहाँ पर, ठीक है. ये एरेक्नॉइड विलाए बनी हुई है, मतलब बहुत बारीक बारीक से आपको नज़र आ रही होगी वेंस, सही है. ये आपका सब ड्यूरल स्पेस है, ये आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस है. और इसके ऊपर देखो, सब एरेक्नॉइड स्पेस के ऊपर आपको ये रेड सी लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कह रहे हैं एरेक्नॉइड मैटर. और ये जो ग्रीन लाइन होगी ये होगी पिया मैटर. मतलब अगर मैं देखूं, ये मेरी है एरेक्नॉइड मैटर, ये होती है नीचे पिया मैटर, सही है. और इस कलर चेंज कर लेते हैं, ये सारा जो है हमारे पास ये है सब एरेक्नॉइड स्पेस. तो यहाँ पे आपको होपफुली समझ आ गया होगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, एरेक्नॉइड विलाए, एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन. देखो यहाँ पे ग्रैनुलेशन बनी हुए ना, ये विलाए आगे जाके किस तरीके से ये टाइप की बना रही है, तो ग्रैनुलेशन कहते हैं इनको हम. अच्छा यहीं पर एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है एरेक्नॉइड मैटर के रिलेट करके, तो वो क्या है हमारा, देखें एरेक्नॉइड मैटर कैसी होती है, डेलिकेट एंड इम्परमीएबल. यहीं पे इसको लिख लें, इट इज़ डेलिकेट एंड इम्परमीएबल एंड कवर्ड बाय मीजोथीलियल सेल्स, ठीक है. इसको मैं कहाँ पर लिखूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, इट इज़ चलें, इट इज़ कवर्ड बाय मीजोथीलियल सेल्स. ये आपका BCQ का क्वेश्चन भी है कि आपके पास जो एरेक्नॉइड मैटर होती है ये कौन सी मेनिंजियस है जो कि मीजोथीलियल सेल्स से कवर्ड होती है, तो इट इज़ एरेक्नॉइड मैटर. अब लास्ट पर आ जाते हैं हमारे पास, विच इज़ पिया मैटर, सही है. पिया मैटर को हम कहते हैं इनक्लोज कोऑर्डिनेशन विद ब्रेन. क्या कहते हैं इसको हम, इनक्लोज कोऑर्डिनेशन विद ब्रेन, मतलब ब्रेन से बहुत ज़्यादा करीब में होती है. सब वाहिद मैटर है हमारे पास, सॉरी वाहिद मेनिंजेस है जो कि हमारे पास ब्रेन से इंक्लोज होगी बहुत ज़्यादा. यहाँ पर हमारे पास क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, सही है. मीन्स ये जो पिया मैटर की जितनी भी क्रेनियल नर्व्स आ रही है ना, इसमें से गुजरती भी कहाँ पर जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी. और एक एक्सटेंशन बनाती है जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल. ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, फाइलम टर्मिनेल. फाइलम टर्मिनेल क्या है, फाइलम टर्मिनेल इज़ द एक्सटेंशन या प्रोलोंगेशन ऑफ पिया मैटर. ये लाइन आप अपने पास लिख सकते हैं, फाइलम टर्मिनेल इज़ द प्रोलोंगेशन ऑफ पिया मैटर. फिर कुछ और डेफिनेशंस है हमारे पास, लिगामेंटम टेंटिकुलेटम. बड़े अजीब अजीब से वर्ड्स मिलेंगे वैसे आपको न्यूरो के अंदर, लेकिन आपने इसको ज़रा अच्छे से देखना है. पहला क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ, लिगामेंटम टेंटिकुलेटम, लिगामेंटम टेंटिकुलेटम. इट इज़ अ क्या है ये हमारे पास, जब पिया मैटर स्पाइनल कॉर्ड में जाती है तो ये एक लिगामेंट बनाती है, सही है. मतलब इन शॉर्ट आपसे कहूँ मैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पिया मैटर का लिगामेंट मौजूद होते हैं ना, उसको हम कहते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, सही है. पिया मैटर स्पाइनल कॉर्ड में लिगामेंट बनाता है, विच इज़ नोन एज लिगामेंटम डेंटिकुलेटम. फिर
फिर है एक वर्ड हमारे पास टेलाकोरेडा। टेलाकोरेडा क्या है? ये हमारे पास पियर मैटर का डबल फोल्ड, डबल फोल्ड ऑफ पियर मैटर मीन्स ये आपके पास जो पियर मैटर होती है वो इस तरीके की होती है। जैसे ये पियर मैटर है तो इसके अंदर यू इस तरीके से दो फोल्ड्स होते हैं, तो ये जो दो फोल्ड्स होते हैं ना उसको हम कहते हैं टेलाकोरेडा। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये मोस्टली थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। हमने पहले मेनिंजेस की डेफिनेशन देखी। मेनिंजेस क्या होती है? CNS कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस विच आर सेपरेटेड बाय 2 स्पेस, सबड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस होती हैं वो कनेक्ट हुई थे थ्रू फोरमेन मैग्नम। कौन कौन सी होती हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर और सब एरेक्नॉइड स्पेस। ड्यूरा मैटर आउटर लाइनिंग होती है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है वो कहाँ पर होता है? ड्यूरा मैटर में ही होता है। एरेक्नॉइड मैटर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस फिल्ड विद CSF एंड पिया मैटर कवर्स द ब्रेन। ड्यूरा मैटर में हमने देख लिया था कि जो इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक पेरिस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टियल लेयर या पेरिस्टियल लेयर जो होती है वो स्कल के पास होती है, और जो मेनिंजियल लेयर होती है वो स्कल और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में होगी। फिर हमने इसके काफ़ी सारे वो देखे थे, टेंटूरियम सेरिब्लाय, फॉक्स सेरिब्लाय, मेनिंजियल लेयर, सॉरी सेरिब्रल फॉक्स, ये सारी चीज़ें। इसकी हमने वो देखी थी नर्व सप्लाई ड्यूरा मैटर की। नर्व सप्लाई के अंदर दो थी, ट्राइजेमिनल और वेगस नर्व अबव द टेंटोरियम सेरिब्लाय। हमारे पास जो अगर हो जाता है तो वो किस होता है? ट्राइजेमिनल से, और ब्लो टेंटोरियम सेरिब्लाय वेगस से। फिर हमने देखी आर्ट्रियल सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर। तो आर्ट्रियल सप्लाई के अंदर कौन कौन सी थी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मेनली ICA एंड ECA, और वर्टिब्रल आर्टरी।